लड़के जो 10+2 का कोर्स कर लेते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं, उसके बाद उनके अंदर ये ख्वाहिश जागती है कि हम कुरान को तो समझें, जो खुदा के पैगाम है बंदों के नाम, तो हम कैसे पढ़े लिखे आदमी हैं कि हम खुदा का कलाम नहीं समझते। तो उन बच्चों के अंदर एक ख्वाहिश जागती है कि हमें कोई शॉर्ट कोर्स कराया जाए जिससे हम खुदा के कलाम को और इस्लाम के पैगाम को समझ सकें। तो उसके लिए एक मुख्तसर मुद्दती कोर्स भी यहाँ पर चलाया जाता है। ये तो हुआ लड़कों का मसला। हमारा समाज, जब तक कि हमारी जो औरतें हैं, हमारी जो बच्चियां हैं, जब तक वो तैयार नहीं होंगी अच्छे विजन के साथ, अच्छे इल्म के साथ, अच्छे अखलाक के साथ, तो काम तो बिल्कुल अधूरा रहेगा। बल्कि सोसाइटी के बनाने में तो कहा जा सकता है कि औरत का किरदार और उसका कंट्रीब्यूशन मर्दों से ज्यादा होता है। वो माँ बनती है तो बच्चे के सिर्फ शरीर उसके अंदर नहीं बनता, बच्चे की जो रूह है, बच्चे के जो अखलाक हैं, वो माँ के पेट में और माँ की गोद में ज्यादा बनते। इसलिए हमारा इरादा तो है कि एक अच्छे पैमाने पर बच्चियों का एक इदारा जो लड़कों के इदारों की तरह कायम हो, लेकिन अभी हम उसकी शुरुआत नहीं कर सके। तो एक छोटे पैमाने पर मुकामी लोकल सतह पर हमने लड़कियों और औरतों की तालीम और तरबियत के लिए भी एक इदारा कायम किया हुआ है। जरूरत तो इस इलाके में बहुत है, कोई अच्छा अस्पताल नहीं है, हेल्थ सर्विसेज नहीं है, लेकिन हम अपने लिमिटेड सोर्सेज के साथ एक क्लिनिक यहाँ पर चला रहे हैं। क्लिनिक दो चल रहे थे, लेकिन हमको भी कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले एक क्लिनिक को बंद करना पड़ा और एक क्लिनिक चल रहा है जो इस पूरे इलाके के गरीब मरीजों की खिदमत कर रहा है। और जहां तक मुझको इत्तला है कि लोगों को उससे बहुत फायदा पहुंच रहा है। जरूरत है कि हमारी जो सेहत की खिदमत हैं उनमें भी बहुत इजाफा हो। यहां बहुत परेशान होती हैं खासतौर पर औरतें। रहमान फाउंडेशन बेसिकली, ये तो 1995 में लखनऊ में कायम हुआ था और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में इसकी ब्रांचेज भी खुल चुकी हैं। खुद महाराष्ट्र में इचलकरंजी और कोल्हापुर में इसकी ब्रांचेज काम कर रही हैं। कर्नाटका में बेलगाम में बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो इस तरह की जो इंसानी एक्टिविटीज हैं उसमें भी हम अपने लिमिटेड सोर्सेज के मुताबिक हिस्सा लेते रहते हैं। मुख्तलिफ मरीजों का ऑपरेशन कराना, उनकी मदद करना, तकरीबन मैं समझता हूं हर महीने लखनऊ के रहमान फाउंडेशन के ऑफिस से शायद 25 से 30 हजार रुपए जो जाते हैं वो विडो पेंशन में जाते हैं। बहुत से बच्चों और बच्चियों की कॉलेजेस की फीस अदा की जाती है यहां भी और वहां भी। तो इस तरह के कुछ काम हैं। मुझे तो ये इन बातों को गिनाते हुए भी आप सबके सामने शर्म आती है, इसलिए कि जो जरूरत है वो बहुत ज्यादा है और जो हम कर पा रहे हैं वो बहुत कम है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन कराया है इससे आपको यहां की जो खिदमात हैं उनके बारे में कुछ अंदाजा होगा। खुदा करे कि हमारे ख्वाब शर्मिंदा तबीर हों और ऐसी नस्लें लड़कों और लड़कियों की निकल सकें जो हमारे इस अजीम मुल्क की हर मैदान में खिदमत करने के लायक हों। अल्लाह हमें अच्छे बंदों में शामिल फरमा, अल्लाह हमें नेक बना, अल्लाह हमें नेक बना। ऐ रब करीम, एक सेकंड के लिए, एक लम्हे के लिए भी शिर्क और कुफ्र का कोई ख्याल भी हमारे जहनों दिमाग में ना आए। So after a 2-hour long run through the first part of the program, it's time for a short break. But before we step into this 30 minutes break, let me announce something very important for you. Just a few minutes back, we watched a short play demonstrating a science class of DUIR, the integration of Islam and science. But this is not restricted to classrooms only. My colleagues are capable of integrating it practically too. Want to know how? First, let me enlighten you with a few very interesting facts. Are you aware that the first person to research on brain was none other than Ibn Haytham? And who introduced the concept of flying? Right, brothers? No, right is wrong. The first person to introduce the concept of flying was Abbas ibn Firnas. And the list goes on.
The uncharted history of Muslim scientists is filled up with the contribution to science and hence humanity. To demonstrate a few, our students have researched on some very interesting scientific concepts, and under the guidance and supervision of their mentors, implemented those concepts in the form of working models. These also include some practical solutions to day-to-day problems. For the enthusiast and those who are keen to see these projects in action, we humbly request them to please visit the lobby outside the auditorium during this break. And don't forget to provide your valuable suggestions. For the rest, please relieve yourselves, relax back in your seats and enjoy the projects being displayed on screen. So let's move on and assemble back after the break to continue our journey. Assalamu alaikum. Look around yourself, can't you see this wonder spread in front of you? The clouds floating by, the sky so clear and blue, planets in their orbits, the moon and the sun, such perfect harmony. Let's start questioning ourselves. Isn't this proof enough for us? Or are we so blind to push it all aside? No, we just have to open our eyes, our hearts and minds. If we just look back to see the signs, we can keep hiding from the truth. Let it take us by surprise, take us in the best way of all. Guide us every single day, Allah. Keep us close to you until the end of time. Look inside yourselves, search perfect order, hiding in yourselves, running in your veins. What about anger, love and pain, and all the things you're feeling? Can you touch them with your hand? So are they really there? Let's start questioning ourselves. Isn't this proof enough for us? Or are we so blind to push it all aside? No, we just have to open our eyes, our hearts and minds. If we just look bright to see the signs, we can't keep hiding from the truth. Let it take us by surprise, take us in the best way, Allah. Guide us every single day, Allah. Keep us close to you until the end of time. When a baby's born so helpless and weak, and you're watching it growing, so I deny what's in front of your eyes. The biggest miracle of life. We just have to open our eyes, our hearts and minds. If you just look bright to see the signs, we can't keep hiding from the truth. Let it take us by surprise, take us in the best way, Allah. Guide us every single day, Allah. Keep us close to you until the end of time. Open our eyes, our hearts and minds. If we just look back to see the signs, we can't keep hiding from the truth. Let it take us by surprise, take us in the best way, Allah. Guide us every single day, Allah. Keep us close to you until the end of time.